प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम माँ मरियम के बिनती के साथ प्रार्थना करेंगे। जहाँ माँ मरियम है, जो घर में माँ मरियम है, वो घर में चमत्कार होता है, हालेलुया। और ये सितंबर महीने में माँ मरियम की बिनती द्वारा विशेष करके प्रार्थना करना ही है, हालेलुया। और हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के बाद यीशु मसीह सबसे पहले माँ मरियम की चेहरा देखा, हालेलुया। यीशु मसीह मरने के पहले क्रूस पर माँ मरियम की चेहरा देख के मर गए, हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के क्रूस देख के प्रार्थना करते हैं, माँ मरियम हमारे साथ है। तो क्रूस की पूरी शक्ति आज आप जहां पर हो वहां पर पहुंच जाएंगे। क्रूस के अभिषेक, पुनरुद्धान की कृपा, यीशु मसीह के जन्म की कृपा आपके ऊपर, परिवार के ऊपर आज मिल जाएंगे, हालेलुया। आज हम माँ मरियम के बारे में सोचेंगे और उसके बाद में माँ मरियम के साथ आराधना करेंगे। ये बहुत बहुत अभिषेक की समय है, हालेलुया। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माँ मरियम एक घर पर पहुँच गया, काना में। हम सब जानते हैं वो घर में दाखरस खत्म हो गया और इतना टेंशन की बात है, बहुत सब लोग टेंशन में है। आजकल हर घर में यही हो रहा है, टेंशन के ऊपर टेंशन। माँ मरियम एक टेंशन वाली बात डील कर रहे हैं, वो घर पे पहुंच गया और वहां पे दाखरस खत्म हो गया और कोई भी एक व्यक्ति भी वहां पर मदद करने के लिए नहीं है, हालेलुया। लेकिन माँ मरियम वहां पे पहुंच गई और माँ मरियम वो सब समझ गई, यीशु के सामने आकर बोली, दाखरस खत्म हो गया है, हालेलुया। तुरंत प्रभु यीशु ने कहा है कि मेरे टाइम तो आ चुका, नहीं आया है और मेरे लिए मुझे प्रार्थना करना है, मतलब मेरे पिता परमेश्वर से मुझे अनुमति मिलना है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन माँ मरियम ने बोला, दाखरस खत्म हो गया, प्रेज द लॉर्ड। बाद में हम देखते हैं माँ मरियम की बिनती द्वारा प्रभु यीशु ने चमत्कार किया। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? माँ मरियम वहां पर आई और प्रार्थना की, बाद में ये कुछ देखता भी नहीं। ये है हमारा एटीट्यूड, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए हर एक दिवस में। ये है, मैंने प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने सुना, बस हो गया, मेरी वाणी सुनी, हो गया। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना सुना ही नहीं, सुन रहे कभी सुनता नहीं, और उसके बाद में प्रार्थना बंद हो गया। रोसरी नहीं है, बाइबल पढ़ता नहीं है, चर्च में जाता नहीं है, कन्फेशन नहीं, कुछ भी नहीं है। कारण है कि मैंने बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सुन रहे नहीं, फिर आगे प्रार्थना करके क्या फ़ायदा है? ये गलत है, हालेलुया। माँ मरियम को देखना है, सितंबर महीने में माँ मरियम आज आपको कहते हैं कि बेटा बेटी, मैंने प्रार्थना की, मेरी प्रभु ने सुनी, प्रभु ने मेरी प्रार्थना वाणी सुनी, बस हो गया, बाकी उन पर छोड़ देना, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम प्रार्थना किया, प्रभु ने आशीर्वाद दिया, लेकिन 25 साल तक वो इंतजार कर रहे थे, 24 साल में भी कोई टेंशन नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, प्रार्थना किया, प्रभु ने सुना, बस बात खत्म, हालेलुया। ऐसा एक व्यक्ति जो विश्वास के साथ रहते हैं, उनके जीवन में हर दिन में चमत्कार है, हर दिन में अभिषेक है, हर दिन में कृपा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये एटीट्यूड, कोई कोई ऐसा भी होता है कि लोग ना लोगों के जिंदगी में ना प्रार्थना किया लेकिन कुछ भी सफलता नहीं होता है, बाद में उनके जीवन में नुकसान होता है, नुकसान के ऊपर नुकसान, नष्ट के ऊपर नष्ट होता है, बाद में ये लोग सीधा उल्टा हो जाता है, यीशु शत्रु बन गया, फिर बाद में एक ही फैसला है, कैसे भी यीशु को हराना है, कैसे भी पवित्र आत्मा को हराना है, कैसे भी पिता परमेश्वर को हराना है, इसलिए कुछ भी बुरा आदत है वो सब कर देते हैं, हालेलुया। कुछ भी बुरा बोलना है वो सब बोल देते हैं, मतलब यीशु को हराना है, हालेलुया। ऐसे ही जिएंगे, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, हालेलुया। ये भी गलत है प्यारे भाइयों और बहनों। मैंने प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुनी, बस हो गया, बाकी सब उन पर मैं छोड़ देता हूँ। ये आप ये विश्वास के साथ आगे बढ़ो, बहुत बहुत कृपा आपके जीवन में मिल जाएंगे, हालेलुया। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माँ मरियम के बारे में आप सोचिए। और संत गब्रियल माँ मरियम के सामने आ गए और उसके बाद में यीशु मसीह का जन्म विषय बताया और तुरंत माँ मरियम ना डर गई कि ये क्या होने वाला है, अभी तक सुना ही नहीं। लेकिन संत गब्रियल ने बताया कि आप डरो मत, प्रभु की आत्मा तुम्हारे ऊपर छाया रहते हैं, तुम्हारे ऊपर शक्ति मिले, कृपा मिलेंगे, कोई डरने की बात नहीं। एक महीना हुआ, आप समझो प्यारे भाइयों और बहनों,
धीरे धीरे डर तो आता होगा ना, क्योंकि सब लोग पूछेंगे क्या है, क्या हो रहा है, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, क्या हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन को जवाब देना ही पड़ते हैं। हालेलुया। समझो माँ मरियम के जगह पे आजकल जो आज जो लड़की है या मतलब कोई भी हो वो क्या सोचेंगे, प्रेज द लॉर्ड, अबॉर्शन के बारे में सोचते हैं, बच्चे को मर डालने के सोचते हैं, यही है आजकल। छोटी 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 बातों पे लेके पिता ने जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद उठा के फेंक देते हैं। ऐसे नहीं कि बड़ी बातों में अबॉर्शन कर सकते, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, अबॉर्शन तो गलत ही है, मारना मार डालना बहुत बहुत गलती बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आजकल कितने सारे बच्चे लोगों को, एक दिन में लाख लाख बच्चे लोगों को अबॉर्शन करके मार डालता है, ये बहुत कठिन पाप है। मां मरियम को वहां वो समय में अबॉर्शन मतलब एक काइंड ऑफ मेडिसिन, मतलब काइंड ऑफ लीफ इन इज़राइल दे यूज दैट, बट मां मरियम को वही ऑप्शन था कि ये बच्चे को मर डाल सकते हैं, कोई भी पॉइसनस चीज खा के ये मतलब वो लोगों का दवाई के हिसाब से कर सकता था, लेकिन मां मरियम ने ऐसा नहीं किया है कि मुझे आत्मा है, पवित्र आत्मा की शक्ति है, ये बेटा जो है इनको पिता परमेश्वर का बेटा है, ये बेटा मैं इनके लिए ही जीऊंगा। देखो आजकल यूथ लोग शादी के बाद में पहला ऐसा फैसला लेते हैं कि शादी करना है क्या, ठीक है, शादी करने के बाद में दूसरी फैसला ये है कि अभी बच्चा नहीं चाहिए, 3 साल के बाद में, क्या जिंदगी जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी करते हैं, अबॉर्शन ये गलत है। मां मरियम के बिनती द्वारा आज हम प्रार्थना करेंगे ही कि जो घर में अबॉर्शन की पाप है वो पाप से मां मरियम की बिनती द्वारा हर एक व्यक्तियों को, परिवारों को मुक्ति मिल जाए। हालेलुया, जोर से हालेलुया। तीसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत सिंपल बात है, आप मां मरियम के जगह पे रहो, ठीक है, और यीशु मसीह आपकी आपके आपके बेटा है, और यीशु मसीह चमत्कार के ऊपर चमत्कार करते करते रहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह लाजरुस को लाजरुस मर गया और तीसरा दिन लाजरुस जी उठा, प्रभु ने जीवन दिया इसको। मामरी मैसन नहीं बोला है किसी के सामने जाके, देखो मेरा बेटा क्या चमत्कार किया, आप देखा है क्या। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मामरियम के जगह पे अगर हम रहेंगे तो हम ऐसे दूसरे किसी को सामने बोल के कितना बड़ी 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 बात बोलते रहते हैं। मामरियम इतना विनम्रता के साथ, तो ह्यूमिलिटी है, ये प्रभु वहां पर अभिषेक देते हैं। आजकल लोगों का साइन ये है कि घमंड, कुछ भी नहीं होगा फिर भी घमंड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अहंकार के लिए कुछ भी चीज नहीं होगा, कुछ भी कारण नहीं होगा, फिर भी ऐसे ही अहंकार के साथ जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुबह उठ के शाम को 10 बजे घर पे आएगा, उसके पहले कम से कम 5 लोगों के सामने हमारा ये घमंड तो दिखाना ही है। प्रेज द लॉर्ड। ये पाप है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु का वचन बता रहे कि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10:8, अन्याय अत्याचार और लोभ के कारण, मतलब अहंकार के कारण, राज सत्ता एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के हाथ चली जाती है। कितना बड़ा नुकसान है। और दूसरी बात सुनो, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 27:1, आने वाले कल की ठीक मत मारो, क्योंकि तुम नहीं जानते हैं कि एक ही दिन में क्या होगा। हालेलुया। तो आजकल सबसे बड़ा पाप यह है कि अहंकार, घमंड है, बहुत घमंड है। मामरियम के बारे में सोचिए, घमंड की एक 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 शब्द भी मुंह से नहीं निकलते है, एक वर्ड भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना विनम्रता से जिया। ममरिम के जगह पे आप रहेगा तो नहीं, तो मैं रहेगा तो कोई भी, हम सब सोचो ऐसा, और कोई भी एक व्यक्ति रहेगा तो घमंड के लिए हजार हजार कारण है ना। एक कोटी आ गए और प्रभु ने उनको स्पर्श किया, एक सेकंड में चंगाई मिल गया, तो ममरियम को जाके उनको बोल सकते हैं ना, तू तो कितना था, क्या था, तुम्हारे शरीर पूरा ना कोट से भरा हुआ शरीर था, अभी तू ऐसा अच्छा कपड़ा पहन के मेरे सामने ऐसा चलते, मेरा बेटा नहीं था तो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोल सकते हैं, हालेलुया, कुछ भी बोल सकते हैं। जायरुस की बेटी मर गई थी, प्रभु वहां पे जाके उनके हाथ पकड़ के प्रभु ने बोला, बेटी तुमको जीवन वापस मिल गया है, वापस मिली, तो उनके सामने, वो घर के सामने 4 बार ऐसा राउंड मारेंगे और बोलेंगे, मेरा बेटा नहीं था तो क्या होने वाला था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी हमारे एलकेजी में जो पढ़ते छोटा लड़का जो है उनके नाम लेकर भी हम घमंड से बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। घमंड से बात करने के लिए कोई बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी चीज नहीं चाहिए, बात नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातों में भी घमंड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाबेल टावर हम बाइबल में देखते हैं वो ऐसे ही गिर गया घमंड के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहां घमंड है वहां पे अंधकार है, जहां विनम्रता है वहां पे पवित्र आत्मा की शक्ति है। तो जिनके अंदर ह्यूमिलिटी है, विनम्रता की कृपा है, उनके जीवन में वो बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा लोगों को बहुत 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 पिता परमेश्वर प्यार करते हैं। इसलिए मां मरियम की विनम्रता देखकर वो दासी पर प्रभु ने कृपा बरसाया। जो व्यक्ति प्रभु के सामने विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, ह्यूमिलिटी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके ऊपर हजार हजार गुना अभिषेक दे देते हैं। एक पापी व्यक्ति और एक फरीसी यीशु मसीह के सामने, मतलब पिता परमेश्वर के सामने आके मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे दोनों, लेकिन जिनको ह्यूमिलिटी है, विनय के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको आशीर्वाद दे दिया। जिनको ह्यूमिलिटी नहीं है उनको कुछ नहीं मिला। आज हमारे जिंदगी से वो घमंड की आत्मा भाग जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये मामरियम की बिनती द्वारा ही मिल जाते हैं। हालेलुया। तो आज हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह, मैंने प्रार्थना किया लेकिन वो प्रार्थना आप सुने कि नहीं सुना, ऐसा कोई बात नहीं है। आपने मेरी प्रार्थना सुनी और ये प्रार्थना मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। उसका उत्तर मुझे मिला न मिला उसमें कोई टेंशन नहीं है, पहली बात। हालेलुया। दूसरी बात है कि आजकल ये संसार में लाख लाख बच्चे लोगों को मर डालते हैं, अबॉर्शन करते हैं, उसके लिए मैं हर हफ्ते में कम से कम एक जपमाला, एक रोजरी प्रार्थना करूंगा। अगर मेरे परिवार में ऐसा कोई पाप है तो वो पाप से मुक्ति के लिए एक रोजरी प्रार्थना मैं करूंगा, एक जपमाल रोजरी प्रार्थना मैं करूंगा। हालेलुया। तीसरी बात, मां मरियम जैसा इतना विनम्रता से मैं जीऊंगा, मेरे प्रभु मुझे उठाएंगे। हालेलुया। आज आराधना के समय में यीशु मसीह के सामने मां मरियम के साथ हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। तुम्हारे परिवार में ये अभिषेक, ये कृपा, ये सुरक्षा, आनंद, चंगाइयां, क्षमा, एकदा गलातिया 5:22 का परिपूर्ण अभिषेक मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज
यीशु मसीह की माँ हमारे साथ है। माँ मरियम की बिनती द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमेन। माँ मरियम, आज ये आराधना में कितने सारे लोग भाग लेते हैं, कितने परिवार प्रार्थना करते हैं, वो हरेक व्यक्तियों की प्रार्थना आपके प्रार्थनाओं के साथ ते हुए हम स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ 118 वचन 1, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। सब लोग मिलकर यीशु मसीह को देख के परिवार को अर्पण करते हुए हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, माँ मरियम जो घर पे गए, वो घर चमत्कार से भर गया था। वो सब लोग दुखी थे और वो सब लोगों को इतना चिंता का कारण था कि आगे क्या करेंगे, लेकिन माँ मरियम वहाँ पे जाकर उन लोगों के लिए प्रार्थना किया है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग आकर चले गए हैं, कुछ भी फायदा नहीं होगा, लेकिन आज माँ मरियम हमारे साथ है। माँ मरियम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। शायद आप ऐसा सोचता होगा कि मेरे जीवन में बहुत सारे दिनों में प्रार्थना किया लेकिन कोई फायदा नहीं, प्रभु मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। माँ मरियम ने ऐसा सोचा कि मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी वाणी सुनी, बहुत हो गया। आप प्रभु से दूर न रहना, प्रभु के नज़दीक रहना, प्रभु से प्यार करना। माँ मरियम के बिनती द्वारा तुम्हारे जीवन में अभी तक कितने सारे प्रार्थनाओं अर्पण किए हैं, वो हरेक प्रार्थनाओं को प्रभु ही जवाब देते हैं। वही विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। काना में विवाह के दिन जो चमत्कार हुआ, वो चमत्कार तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे जीवन में भी आ जाएंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमेन। माँ मरियम जहाँ पर थी वो जगह पे माँ मरियम की कृपा द्वारा चमत्कार मिला है, तो वही चमत्कार करने वाले यीशु मसीह को फिर से एक बार एक गीत के साथ हम स्तुति आराधना करते हैं। काना में जो चमत्कार हुआ, वही चमत्कार माँ मरियम की बिनती द्वारा मेरे जीवन में भी आ चुका है। विश्वास के साथ हम एक गीत के साथ स्तुति आराधना करेंगे। मरियम सब लोगों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं, सारे संसार के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। माँ मरियम की विनती द्वारा जो घर में भय की आत्मा है, अंधकार है, वो निकल जाए। हालेलुया। वो जो घर में, वो जो काना का घर में जो भय था, वो निराशा था, वो अंधेरा था, वो सब प्रार्थना द्वारा निकल गया है। प्रभु का वचन सुनिए, तुम भयभीत न हो, मत डरो, क्या मैंने बहुत पहले ये नहीं बताया
और उसकी भविष्यवाणी नहीं की, क्या तुम मेरे साक्षी नहीं हो? क्या मेरे सिवा कोई ईश्वर है? मैं दूसरी चट्टान नहीं जानता, कोई है ही नहीं। हालेलुया, प्रभु कहते हैं तू डरना नहीं, भयभीत न रहना, मेरे ऊपर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना। ये प्रभु का वचन है, प्रभु के ऊपर विश्वास रखो। काना में मां मरियम सिर्फ यीशु के ऊपर भरोसा रखा। मेरे भाई और बहनों, आज कितने परिवारों में ये अबॉर्शन की दुष्ट आत्मा है, वो आत्मा आकर परिवार को टूटाता है। वो मुक्ति मिलने के लिए मां मरियम की विनती द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। हमको हजार हजार कारण होगा ये पाप करने के लिए या पाप किया है, लेकिन प्रभु कहते हैं मां मरियम के सामने भी हजार हजार कारण थे, लेकिन मां मरियम ने पिता परमेश्वर की कृपा के ऊपर पवित्र आत्मा की छत्र छाया में रहने के लिए सोचा है। इसलिए मां मरियम के विनती द्वारा ऐसा कोई भी पाप हमारे परिवार में है तो, हो गया है तो, सोचते हैं तो उसमें से परिपूर्ण मुक्ति परिवार में मिल जाए। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन। जो घर में बच्चे नहीं है, शादी हुई बहुत सालों से बच्चे नहीं है, वो घर में अभी मां मरियम की विनती द्वारा एक अभिषेक मिलने के लिए हम प्रार्थना करें फिर से। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन। हमारे हर एक पापों को प्रभु से माफी मांगते हुए स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलकर मेरे साथ ये वचन बोलना है। संत योहन अध्याय 3। योहन ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। हालेलुया। तो स्वर्ग से जो मिलता है वही हमको स्वीकार कर सकता है। हालेलुया। दूसरा कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, स्वर्ग से जो मिला है वो हम स्वीकार कर सकता है। हालेलुया। प्रभु का दूसरा एक वचन, संत योहन अध्याय 15 वचन 5। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही बहुत फलता, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु की कृपा हमारे घर में पहुंचा देते हैं। एक ही बात मां मरियम कह रहे हैं कि मैं और यीशु मसीह दाखलदा और ढालियां जैसा था, मैं और यीशु मसीह मेरे अंतर था, यीशु मसीह के अभिषेक मेरे जीवन में था, वही अभिषेक आप भी स्वीकार कीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभिषेक स्वीकार करने के लिए मां मरियम एक ही रास्ता हमको बता रहे, विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से, विनय से यीशु के सामने प्रार्थना करो। जो भी तुमको अच्छा अच्छा लगता है वो विनय के विरुद्ध है, प्यारे भाई और बहनों आज वो छोड़ दीजिए। जो घमंड है, वो अहंकार की कहानियां हैं, वो सब छोड़ दीजिए। विनम्रता से मां मरियम के जैसा हम प्रार्थना करेंगे, मैं दास हूँ, मैं दासी हूँ। दाहिना हाथ उठाएंगे, बहुत विनम्रता से यीशु मसीह को देख के हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कोई भी घमंड की आत्मा रहेगा तो वो आत्मा को मां मरियम की विनती द्वारा यीशु मसीह के नाम लेकर मैं आदेश देता हूँ, हमारे परिवार से हट जा। वो पवित्र आत्मा, आपकी पवित्रता, आपकी विनय, आपकी विनम्रता हमारे जीवन में बरसा दे। हालेलुया। मां मरियम के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन। ये सितंबर महीने में मां मरियम की विनती द्वारा आप प्रार्थना कीजिए, फैसला लीजिए, हर दिन मैं रोसरी प्रार्थना करूंगा, हर हफ्ते में एक रोसरी प्रार्थना मेरे परिवार के लिए मैं अकेला करूंगा, हर हफ्ते में ये रोसरी प्रार्थना द्वारा मैं मेरा पड़ोसियों के लिए, शत्रुओं के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत अभिषेक
आपके लिए प्रभु यहाँ पर वेदी पर रखा है। यह अंतिम आशीर्वाद का समय है। मामरियम के साथ हम स्तुति आराधना फिर से एक बार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक बीमारियों से मुक्ति, हर एक बंधनों से मुक्ति, हर एक समस्याओं का जवाब यीशु मसीह मेरी प्रार्थना सुनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने मेरी वाणी सुनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपके नसीब में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मां मरियम आपके लिए क्रूस के नीचे प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आशीर्वाद यीशु मसीह की कृपा अभी हम स्वीकार करते हैं।